श्री प्रकाश ने कसम खाई थी कि साक्षी को मारना है। आज तक स्पेशल टास्क फोर्स या भारत की कोई भी एजेंसी यह नहीं बता पाई कि श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ की सुपारी दी किसने, और यदि श्री प्रकाश शुक्ला होते तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी क्या नाम है साक्षी जी महाराज नहीं होते। कृपया उनके नाम स्पष्ट होने चाहिए जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ रुपए की सुपारी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मारने के लिए दी थी। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन में पंडित हरिशंकर तिवारी का क्या रोल था। वास्तव में कोई रोल नहीं था। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी और श्री प्रकाश शुक्ला जी का कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। दोनों लोगों के अलग रास्ते थे। वो माननीय विधायक थे और श्री प्रकाश शुक्ला जी का एक अलग दुनिया शुरू हो रही थी, और उनको भगवान ने सब कुछ दे दिया था। वो विधायक मंत्री सब हो गए थे, उनके लिए फिर माफिया का कोई मतलब था नहीं। रास्ते अलग हो गए थे, इनका कोई रोल नहीं था। इन दोनों लोगों का आपस में कहीं से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। अक्सर हमने देखा भी है कई जगहों पर सीरीज चलाई गई है कि जो कल्याण सिंह की सुपारी की जो बात है, यानी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उसके बारे में ये कहा जाता है कि पंडित हरिशंकर तिवारी ने पूरा जाल बुना, अखबारों में अगले दिन निकला, उसके बाद एसटीएफ का गठन होता है, फिर इनकाउंटर की वो सारी कहानी रची जाती है। देखिए, माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी अपने कार्य से मतलब रखते हैं, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। कल्याण सिंह जी की सुपारी की बात बिल्कुल कोरी अफवाह, गलत थी। सच्चाई ये थी कि इसमें साक्षी जी महाराज, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का बदला श्री प्रकाश ने कसम खाई थी कि साक्षी को मारना है। साक्षी महाराज उस समय कल्याण सिंह के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा करीबी थे। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे सूबे के। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के साक्षी महाराज ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी दल ने जो है किसी राष्ट्रीय दल ने 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इस तरह का आरोप लगाए तो पूरा देश और प्रदेश सकते में आ गया, जो कि एकदम मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोरा बकवास था। आप बताइए, आज 21-22 साल के लगभग हो गया, 22 से 23 साल के लगभग हो गया, आज तक स्पेशल टास्क फोर्स या भारत की कोई भी एजेंसी यह नहीं बता पाई कि श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ की सुपारी दी किसने। सबसे बड़ा दोषी तो वो था ना कि जो एक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को मारने के लिए सुपारी दे रहा हो, उसके नाम का खुलासा होना चाहिए। आज तक हुआ, 23 वर्ष हो गए, नहीं हुआ। तो ये दुनिया आप समझ में आती है यार, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। नहीं, अब तो ये भाजपा के भी सांसद हैं और उसके बाद भी कई बार प्रदेश में, जैसे अब इसको अगर राजनीति में लाएं, क्योंकि देखिए माफिया और राजनीति का आपने भी जैसे कहा कि एक तरफ सीधा सीधा संबंध था, और आज भी बहुत सारे माफिया के लोग हैं जो सदन में बैठे हुए हैं। तो जब अब भाजपा की सरकार आई और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और बड़े चर्चित मुख्यमंत्री रहे बहुत सारे मुद्दों पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 23 साल है, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि अब जाँच नहीं हुई, अब जांच हो जानी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये सब सुनिए, बड़ी विडंबना है हमारे देश की, और हमारे देश की जो व्यवस्था है, सड़ी हुई व्यवस्था है। आप बताइए ना, एक मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी की बात तो पूरा दुनिया जानता है। केंद्र और प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी रही। आज तक क्या यह सच्चाई सामने आ पाई कि 6 करोड़ की सुपारी दी किसने? नहीं आई, ये आएगी भी नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ, चूँकि यह सब कोई बात ही नहीं थी। यह भी सच्चाई है कि कुल मिला के ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मामला था, प्रभा द्विवेदी वगैरह ने कांटेक्ट किया था, और यह स्वयं ब्रह्मदत्त द्विवेदी को बड़ा मानते थे श्री प्रकाश शुक्ला, और इन्होंने एकदम मतलब यह मन बना लिया था कि उन्हें मारना ही मारना है। और यदि श्री प्रकाश शुक्ला होते तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी क्या नाम है साक्षी जी महाराज नहीं होते। तो साक्षी जी महाराज ने एक बहुत ही सुनियोजित प्लान के तहत ये सब प्रोपगेंडा करके इस मामले का रुख अलग कर दिया, इस मामले के रुख को बदल दिया।
नहीं, सिर्फ प्रकाश शुक्ला इतना जानता था एक मुख्यमंत्री को मारना ये करना, इतना अनपढ़ या जाहिल गंवार नहीं थे सिर्फ प्रकाश शुक्ला कि इस तरह का कोई कार्य करे। जैसे जब उन्होंने बिहार के एक मंत्री को मारा तो शायद उसके बाद लोगों को तो भरोसा हो गया होगा। बिहार के मंत्री को मारा वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ मारा, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो जानता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये सच है कि उनका जो है कल्याण सिंह से कोई लेना देना नहीं था, दुनिया जानती है, आज भी जानती है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज देश और प्रदेश सरकार से भी यह मांग करता हूं कि अगर ऐसा था तो क्या कारण है। आज लगभग 21-23 साल हो गए, 98 में सिर प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया, 21वीं सती चल रही है, 21-23 साल हो गया, 23 साल में आज मैं आपसे फिर या पुनः आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि कृपया उनके नाम स्पष्ट होने चाहिए जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ रुपए की सुपारी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मारने के लिए दी थी।